ईद उल अज़हा के लिए एसएमसी की खास तैयारी रहती है। हमारा जो सैनिटेशन विंग है वो पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान देता है कि जो भी हमारा उन दिनों की साफ़ सफाई है या फिर हमारी हाइड्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए डोर टू डोर कलेक्शन होता है, ताकि जो भी घर से, अगर घर वाले कुछ भी ऐसी चीज़ें जो डिस्पोज ऑफ करना चाहें, उनमें सैक्रिफिशियल एनिमल्स के ओफाल्स होते हैं, हाइड्स होती हैं, यानी कि खाल, बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं। और लास्ट ईयर का जो हमारा एक्सपीरियंस है कि 134 मेट्रिक टन जो है, ये इस तरह के जो हमने डोर टू डोर कलेक्शन करके जो चीज़ें वो कलेक्ट की थी और उसको प्रॉपरली साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया था, तो इस साल भी वैसे रहने वाला है। उसके साथ साथ जो सैनिटेशन के हमारे विंग है, क्योंकि 3 दिनों के लिए हमारा पूरा रोस्टर बन जाता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही तरीके से वहाँ पे अपना ड्यूटी कर सके, सैनिटेशन वाले भी, साफ़ सफाई वाले भी, और दूसरा जो हमारे पास वाटर वर्क्स है, यानी कि जो पानी की सप्लाई है, उस सारे का भी प्रॉपरली हमने रोस्टर बना दिया है, ताकि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी की किल्लत ना हो, और ना ही जो ईद की नमाज़ होती है उस टाइम कहीं पे किल्लत आए, और उसके साथ साथ जो रूटीन में भी हमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, टैंकर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सब भी वहाँ पे पूरी तरह से मुहैया रहें। और उसके साथ साथ बाकी भी जितने भी हमारे विंग्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो चाहे वो सिविल विंग हो, वो सैनिटेशन के विंग्स हो, आईसी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग इस चीज़ के लेके जागरूक हों कि हमारा जो भी वेस्ट है, डोर टू डोर कलेक्शन उस दिन होने वाला है, तो उसी तरह से वो अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ करें, कहीं पे किसी प्लेस पे डंप ना करें, उससे दिक्कत हो सकती है, और हम अपने आसपास साफ सफाई बना के रखें। ये हमारी तरफ से कोशिश है कि लोगों को हम इस चीज़ के बारे में अवेयर करें। देखिए, हमारे पास लीगल प्रोविज़न रहते हैं, और अगर कोई भी ऐसा हमें हाउस होल्ड या कोई ऐसा घर वाला है जो कि जो भी इन दिनों कहीं पे भी वेस्ट है वो सड़क पे डालता है, किसी ऐसी जगह डालता है जहाँ पे प्रोहिबिटेड है, तो हम उसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, और बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपना त्यौहार मना रहे हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी एक उनको भी साफ़ माहौल मिले अपना फेस्टिवल मनाने का, तो अगर कोई इसमें बाधा डालता है, आसपास गंदगी फैलाते हैं, तो हम उस पर फाइन लगा। देखिए, माता खीर भवानी जो फेस्टिवल रहता है उसके लिए हमारे तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। खास तौर पे हमारे कुछ मोबाइल टॉयलेट वैन हैं, वहाँ पे कुछ साफ़ सफाई का इश्यूज़ है, तो वो सब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारा इन प्लेस है, और हमारी पूरी कोशिश है कि एन रूट, पूरा जो रूट है जहाँ पे भी जहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं, जो डिवोटीज हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, उस पर प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, साफ़ सफाई रहे, और वहाँ पे भी जो प्रोविजंस हैं मोबाइल टॉयलेट्स की तरह या बाकी चीज़ों के, वो भी हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं।